हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आजकल भिडियोते हमें तुम्हारे आर एस अग्रवाल जो क्षेत्रफल चैप्टर रही है तर 29 नम्बर प्रश्न का समाधान करब। 29 नम्बर प्रश्न हमारे क्या देवा रही है, देवा रही है जो एक आयतकार जगार दैर्घ्य तर प्रस्तर देर गुण तर क्षेत्रफल 2/3 हेक्टर हम दैर्घ्य कत। अर्थात एक आयतकार एरक एक रही है जैगा रही है एर दैर्घ्य बला रही है दैर्घ्य जो रही है तर क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्तर देर गुण अर्थात पोस्त जा रही है तर तुलन दैर्घ्य हलो तर देर गुण। ठीक है, सूतरा कि बोलते एक दैर्घ्य और एक हलो पोस्त। जदि दैर्घ्य एक पोस्त सरि पोस्त एक दैर्घ्य कत हो जाए देर गुण अर्थात कि 1.5 है। तो हमें यहाँ के दुई धरे नहीं एक ही बेपार ये जी दुई है तेल की देर गुण कत दुई गुण देर कर ले तीन हो जाए तै तो एक हम जो देर है तेल दुई हम कत देर गुण मैं तीन हो जाए। ये हलो कि ये हलो ए कि अनुपात ये दैर्घ्य और पोस्तर एन बला है तो हमें धरे निल दैर्घ्य हलो 3x और पोस्त हलो 2x अनुपात के एक्स एक्स को मैं धरे निल। देखो अनेक प्रश्न आसते परि एक्स क्या धरी एक्स एक्चुअलि जैसे प्रश्न भैलूटा को रकम प्रब्लेम ना सल्व करते से धरे रखी। ठीक है, एमनी एक्स धरार को दरकार नहीं ना धरले है एन बला जो तरह क्षेत्रफल हलो 2/3 हेक्टर दैर्घ्य कत तेल अनुजाई क्षेत्रफल कत हलो क्षेत्रफल जो बेर करी तेल क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमें शिखे कि दैर्घ्य गुण पोस्त अर्थात 3x गुण 2x इज इक्वल टू हमारे 6x स्क्वायर किंतु ये इज टू देवा कत रही है इज इक्वल टू देवा रही है हलो 2/3 हेक्टर तर मैंने ये इज इक्वल टू देवा रही है 2/3 हेक्टर देवा रही है। देखो यगल की सब कि मीटारे आससे हेक्टर जख ही है हेक्टोमीटर मैंने कि हेक्टोमीटर के जो मीटारे आनी हमें 100 दिए गुण करते हैं जेहतु क्षेत्रफल मैंने 100 स्क्वायर अर्थात 100 स्क्वायर मैंने कत एक पर 4 शून्य 100 स्क्वायर दिए गुण करते हैं तो जी करी 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 100 तरह स्क्वायर अर्थात एक पर 4 शून्य एत वर्ग मीटर हो गो। ठीक है, यार ये जो काटी दुई दिए काटले यार 3 हो जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे हो गो कत 100000 बाय 9 हो गो। तेल एक्सर भैलू क्यों है एक्सर भैलू ये के रूट करते हैं जी एक्सर भैलू को ये रूट तुले दिले अर्थात बाहर आसे हमारे 100/3 এটা কি x এর ভ্যালু এখন বলা হয়েছে দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য আমাদের কত 3x 3x তাহলে x এর ভ্যালু যদি 100/3 হয় 3x এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে 3 গুণ 100/3 অর্থাৎ কেটে গেলে আমাদের কত চলে আসবে 100 মিটার অর্থাৎ অ্যানসার আমাদের কি হয়ে যাবে 100 মিটার হয়ে যাবে। আর সব সময় ভুলবে না কিন্তু যে এখানে আমাদের যেটা হেক্টোমিটার রয়েছে সেটাকে বর্গ মিটারে আমাদের বের করতে হবে হেক্টরটাকে। ঠিক আছে, তো फ्रेंड्स ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার করে দাও আর আমাদের ফেসবুক পেজকে লাইক করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। থ্যাংক ইউ।